हेलो एवरीवन, आज हम जा रहे हैं पांचवा महल जो उल्लासनगर और टिटवाला के बीच में सिचुएटेड है। बहुत ही प्यारा और सुकून भरा मंदिर है ये। ये बेसिकली एक शिव मंदिर है। इसका लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जो भी लोग उल्लासनगर टिटवाला साइड रहते हैं या कल्याण साइड, उनके लिए ये पास में है मंदिर। ये मंदिर में आपको दोनों तरफ पार्किंग एरिया मिल जाएगी। देख सकते हैं आप, दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी है, बीच में एक डिवाइडर लगा है। बहुत ही अच्छा व्यू दे रहा है ये। और अब हम अपनी गाड़ी पार्क करके चल रहे हैं मंदिर के अंदर। सामने आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, जो ग्राउंड फ्लोर पे दिख रहा है वो मंदिर है। ऊपर एक डोम बनी हुई है मंदिर की। चलिए अंदर चल के देखते हैं मंदिर के। मंदिर की राइट साइड आपको जूते चप्पल निकालने का एरिया मिल जाएगा। ये पूरा मंदिर का बाहर का सीन है। यहाँ से आप एंटर करेंगे, जस्ट सामने से राइट साइड में आपको मिल जाएगा जूते चप्पल निकालने का, बाहर भी आप निकाल सकते हैं। देखिए कितना बड़ा मंदिर है ये। ये शिव मंदिर है बेसिकली। सामने आपको कुछ पंडित लोग पूजा करते हुए दिखेंगे। यहाँ से लेफ्ट से राइट तक पूरे मंदिर का ये एरिया है। और अब हम चलेंगे मंदिर के अंदर कौन से भगवान जी हैं वो देखने के लिए। ये मंदिर भी बहुत पुराना है। मैंने ट्राई किया सर्च करने के लिए बट मुझे मिला नहीं। ये अंदर के मंदिर का एंट्रेंस है। सामने आपको टॉर्टोइस दिख जाएंगे। टॉर्टोइस क्या करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी फैलाते हैं, इसलिए टॉर्टोइस को रखा जाता है। सामने जो है विट्ठल और रुक्मणी जी विराजमान है। बहुत ही प्यारी मूर्ति बनाई गई है इनकी। फिर आ जाते हैं हम, ये देखिए गणेश जी हैं यहाँ। मुझे लगा नहीं था कि इतनी प्यारी आइडल गणेश जी की यहाँ पर मिलेगी मुझे। फिर आते हैं हम शिव जी के, जो मेन यहाँ का शिव नाम है, नंदी जी हैं। और उनके जस्ट सामने हमारे शिव जी हैं। शिव जी को बहुत ही प्यारा सजाया गया है। बहुत ही शांत मंदिर है। यहाँ पे आप विजिट करेंगे तो बहुत सुकून मिलेगा आपको। सामने जो भी आप पंडित जी को देख रहे हैं, महाराज जी को देख रहे हैं, वो यहाँ पे पूजा कराते हैं। यहाँ पे जो भी आपको पूजा कराना है वो आप करा सकते हैं। आके सामने एक छोटे से भगवान जी रखे गए हैं, शिव जी ही हैं वो नंदी पर। छोटा सा मंदिर एंट्रेंस के जस्ट सामने है। ये पूरा एरिया है मंदिर का। राइट साइड में भी पंडित जी लोग बैठे थे, यहाँ पर पूजा चल रही थी। फिर आ जाते हैं मंदिर का जो मेन सुंदरता है उसको देखने हम। ये देखिए, ये है मंदिर का। मंदिर के अंदर नदी है। ये नदी है उल्लास नदी। जो भी आके पूछता है कि उल्लास स्टेशन पे जो वो नदी है उसको उल्लास नदी बोलते हैं क्या, नहीं उसको उल्लास नदी नहीं बोलते। ये है हम लोग की उल्लास नदी। अगर आपको उल्लास नगर की नदी, उल्लास रिवर घूमना है तो आप पांचवा महल आ जाइए। आपको बहुत ही प्यारा और सुंदर नज़ारा मिल जाएगा उल्लास नदी का। चलिए नीचे चलते हैं और पानी का थोड़ा मज़ा लेते हैं हम। बहुत ही सुंदर और प्यारा पानी है, साफ पानी है। देखिए क्लियरली क्लियरली सब कुछ दिखाई दे रहा है पानी के अंदर। इस नदी में गणेश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन और पिंडदान सब कुछ होते हैं। तो यहाँ पे आके आप अपने जो भी काम है वो करा सकते हैं। और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ कि अगर आप नियर बाय रह रहे हैं तो ज़रूर विज़िट करिए पांचवा महल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।